बढ़ते आगे, झांसी में प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई हुई है। 110 करोड़ की सरकारी जमीन मुक्त कराई गई है। अथॉरिटी की कार्रवाई से अड़कम मचा है, तो झांसी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई हुई है, झांसी से बड़ी खबर, 110 करोड़ की जमीन, सरकारी जमीन ये कब्जा मुक्त कराई गई है। झांसी प्राधिकरण की ये बड़ी कार्रवाई हुई है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झांसी से 110 करोड़ की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। यूपी में बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, ऐसे में गोरखपुर भला क्यों अछूता रहता। गोरखपुर को भी स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद में नगर निगम जुटा है। निगम ने आज से अतिक्रमण हटाओ अभियान चला दिया है, जिसमें धर्मशाला बाजार से विजय चौराहे तक कब्जा की हुई सड़क को खाली कराया गया। अभी ये कार्रवाई 2-3 दिन और चलेगी। गोरखपुर को स्मार्ट सिटी का लुक देने के लिए नगर निगम ने बीड़ा उठा रखा है, और जब बात है सीएम योगी की गढ़ की हो तो अतिक्रमण पर कार्रवाई होना लाजमी है। गुरुवार को निगम का ये अभियान धर्मशाला बाजार से शुरू होकर विजय चौराहे तक चला। इस दौरान निगम के अधिकारियों को लोगों को समझाने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। और ये दोबारा आगे नहीं आना है, पहले बता रहा हूँ। जब इनको जहाँ चौकीन चार साहब ने बताया कि हम उसी दिन फिर गाड़ी लेके भर के लेके जाएंगे। गोरखपुर में नगर निगम का बुलडोजर एक बार फिर से अब सड़कों पर उतर आया है, और तमाम जो अतिक्रमण है उसको हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। धर्मशाला बाजार से आज इस अभियान की शुरुआत की गई है, और विजय चौक तक ये अभियान अभी 1 से 2 दिन तक चलेगा। तमाम जो रास्ते हैं उस पर लोगों ने मकान बना लिया है, दुकान बना लिया है, और जो नाली है वो पूरी तरह से अतिक्रमण करके उन्होंने पाट दी है। ऐसे जगहों पर अब एक बार फिर से इस अतिक्रमण अभियान के जरिए लगातार जो कोशिशें हैं इसको हटाने की वो शुरू कर दी गई हैं। जब निगम की जेसीबी सड़क से अवैध अतिक्रमण हटाने लगी तो बाजार में खलबली मच गई। दुकानों के आगे नालियों को भी दुकानदारों ने घेर रखा था, जिसे तोड़ा गया। जेसीबी की जद में कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें भी आईं। और उसको साफ करना है, सड़क चौड़ा हो जाए, पैदल चलने की यात्रियों को सुविधा हो जाए, और नाला सफाई हो जाए। ये तीन बिंदुओं पे हम लोग काम कर रहे हैं, और जिसमें लोकल व्यापारियों का बड़ा सहयोग है। कल हमने आप देखेंगे जब हम आए थे, उससे पहले लोकल व्यापारियों ने सब अपना हटा लिया और अपने आप से हटाया। हालांकि नगर निगम के अधिकारी एक दिन पहले ही इलाके में आकर कार्रवाई की जानकारी दे चुके थे, ताकि लोग खुद ही अपना अतिक्रमण हटा लें, लेकिन दुकानदारों को यही शिकायत रही कि उन्हें सूचना नहीं दी गई थी। नहीं, अभियान तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल हम लोगों को पहले सूचित नहीं किया गया, नहीं तो हम लोग अपने आप ही हटा ले रहे हैं। कुछ लोगों ने तो समय रहते ही अपने अतिक्रमण को खुद ही हटा लिया, लेकिन जो लोग चूक गए उनका काम इस जेसीबी ने बखूबी पूरा किया। और जिस तरह से लगातार नगर निगम की टीम काम कर रही है, जिस तरह से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा, माना जा रहा है कि पूरे गोरखपुर में जब ये अभियान पूरा होगा तो एक महानगर को लेकर के जो एक रूपरेखा होती है, एक महानगर को डेवलप करने के लिए जो रूपरेखा होती है वो पूरी तरह से सामने आ जाएगी। क्योंकि गोरखपुर को लगातार डेवलप करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हजारों करोड़ की परियोजनाएं ला रहे हैं, तो यही कारण है कि पिछले एक महीने से लगातार इस अभियान को चलाया जा रहा है। उस शहर की जो सड़कें हैं, जो रास्ते हैं, उनको खाली कराने की कोशिश की जा रही है। वीडियो लिस्ट प्रदीप साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ 8 गोरखपुर।